हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी अच्छी हूँ। मैंने अभी भी मनीष झा का एक कम्युनिटी देखा, सुन के देख कर पढ़ कर जो उसका अंदर जो एक आग लगी थी ना, जो उसमें छपी थी, अच्छा लगा। क्योंकि जब एक औरत अपने पर आ जाए ना, और बात जहाँ उसके सुहाग पर आए, उसके पति पर आए, उसके रिश्ते पर आए, जो भी बीच में आता है ना, तो औरत सच में एक पत्नी उसको फाड़ के रखने की औकात रखती है, जो कि मनीषा ने बोला। आज सही मायने में मुझे मनीषा का जवाब थोड़ा सा सही लगा, थोड़ा सा ही लगा। अभी तो मनीषा तुमको वो जवाब देना है। मनीषा ने बोला कि मुझे ऐसा करना है कि आगे किसी भी और पति पत्नी के रिश्ते में कोई ऐसी औरत घुसने की कोशिश ना करे, बिल्कुल, क्योंकि इन जैसी औरतों से ही कुछ और औरत सीखती हैं, फिर ऐसा काम करने की कोशिश करती हैं। तो सबक कुछ ऐसा मिलना चाहिए जो दूसरी ऐसा करने के पहले ना 100 बार सोचे, 100 बार। बेटा बेटा, ये तो मैंने भी बोला था, मनीषा बेटा, मैं उसको बेटा मानती हूँ, मनीषा बेटा, बेटा बेटा के बेटे की ही दुनिया लूट ली, ये बोल थे मनीषा के। बेटा बेटा कह के यार बेटा का ही पति छीन लिया, और इससे गिरी और शर्म की बात क्या होती है, हो सकती है। मनीषा ने बोला भाई भाई बोलकर छीन लिया मेरा पति, और तुझे ऐसा ही चाहिए था तो अपने भाई को ही ले पकड़ लेती, अपने भाई के साथ ही रह लेती, इससे और शर्म की बात क्या हो सकती है। मुझे खुद शर्म आ रही है बोलते हुए, लेकिन शायद दीदी जी को नहीं आ रही होगी, अगर आती तो दीदी जी ये सब करती ही नहीं। भैया इनका प्लान है अभी इंडिया छोड़ के भागने का, इंडिया छोड़ के भागने का, क्योंकि ये कोई किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लैला मजनू, ये जो मतलब पूरे यूट्यूब पर आग लगा के रख देंगे, पूरे YouTube पर आग लगा के रख देंगे। ये बन गए हैं दिल जला आशिक, बोलते हैं ना वो वाले आशिक। मैंने रिकॉर्डिंग भी सुनी थी दीदी जी की, भैया उनको बहुत तगड़ा वाला प्यार हो गया है, वो उनके बिना रह नहीं पाएंगे, सबसे लड़ जाएंगे। मनीषा को छोड़ना पड़ेगा छोड़ेंगे, डिवोर्स देना पड़ेगा देंगे, बट दीदी जी से शादी करेंगे, किसी की होने नहीं देंगे उनको। इतना तगड़ा आशिकी का भूत सवार है दिल और दिमाग पर। दीदी जी ने ना एक धमकी दे दी थी भैया जी को कि मैं 20 दिन के अंदर शादी करके दिखाऊंगी। फिर क्या था, वो तो ठहरे देवदास बन चुके हैं प्यार में, तो उन्होंने बस ये सारा कुछ ड्रामा रच दिया कि मैं नहीं होने दूंगा, शादी होगी तो मेरे से ही होगी, मिस के वो क्या बोलते हैं मकान फ्लैट वगैरह, पता नहीं क्या क्या नाम करने की बातें हैं, क्या क्या शादी करने की बातें, मंदिर में शादी करने, क्या क्या प्लान था, मशहूरी में शादी करने का प्लान था। और भैया जी अभी फिर भाग रहे हैं अपनी आउट ऑफ कंट्री, बहुत दूर भाग रहे हैं। किसके साथ भाग रहे हैं आप सोच ही सकते हैं, क्योंकि पहले ये भागे थे तो सबको लगा था कि नहीं दीदी जी के पास तो नहीं गए दीदी जी के, बट हमने उसमें कुछ नहीं बोला था, बट सबका सोचना सही निकला, दीदी जी ने ही बुलाया था। और अभी भी जब अपनी बीवी का एग्जाम है, बोला कि मैंने बोला मनीषा को तुम भी मेरे साथ चलो, मनीषा बोली नहीं तुम घूम कर आओ, अच्छा मनीषा तुमको घूमने के लिए भेज देगी, अरे कितना झूठ बोलते हो। मनीषा को पता है कि तुम किसके साथ घूमने जाते हो, उसको पता है कि अभी दो तीन दिन बाद हैदराबाद से आए थे, किसके साथ घूमने गए थे, फिर क्यों भेजेगी मनीषा तुमको कि जाओ तुम घूम कर आओ। मैंने बोला मनीषा तुम भी चलो, पता है मनीषा का एग्जाम है, पता है तो तुमको अपनी बीवी के साथ रहना चाहिए, नहीं आ रही ना, अभी भी अकल नहीं आ रही, अभी भी अकल नहीं आ रही, अभी बीवी को छोड़ के भाग रहे हैं, दूसरी कंट्री भाग रहे हैं। किसके साथ भाग रहे हैं भाई, क्यों भाग रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कुछ ज़रूरी काम से जा रहे हैं, इनका जरूर क्या क्या हो सकता है, कुछ नहीं पता। अभी तो ये किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं, कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं, कोई भी कर्मकांड कर सकते हैं, अभी ये कोई भी कर्मकांड कर सकते हैं। जिस तरह की चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, और सच में ना शर्म से तुमको तो बोलूँगी डूब जाना चाहिए, मर जाना तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि एक बेटी भी है भाई, जैसी भी हो बेटी को माँ की ज़रूरत है, तो मैं ये सारी चीज़ें तो ना कभी बोली है ना बोलूँगी।
लेकिन जिस तरह से आज मनीषा रो रही है, तड़प रही है ना, उसके एक एक आंसू तुमको बहुत भारी पड़ेगा। बोलते ना कि दुख मिले हजार बट पति ना मिले छिनार, तो मनीषा का तो जिंदगी बर्बाद कर दिया, क्योंकि उसको ऐसा पति मिल गया, ऐसा पति मिल गया जो उसको हीरे की परख नहीं हो रही अपने सामने, उसको उस कचड़े में मुंह मारने में ज्यादा मजा आ रहा शायद। मनीषा ने बहुत कुछ समझाया है, बहुत कुछ अपनी पीछे की बातें रखी, बहुत कुछ चैलेंज भी दिया है उसने, चैलेंज भी। अभी भी जरा सी शर्म हो ना तो दूर हो जाओ उसके पति से, उसकी लाइफ से, क्योंकि ये चाहती ही वही है। मनीषा ने कल भी वीडियो में बोला था और आज भी बोल रही थी वो पोस्ट में कि हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे पति को बुलाने की, और शायद फिर बुला रहा। तो मनीषा ने बोला जरूरत पड़ी तो मैं दुर्गा का भी रूप लूंगी और फाड़ के रख दूंगी जो अब के मेरे बीच में आई। तो वैसे तो क्या लाइन थे दीदी जी के, क्या है तेरे पति में, क्या है? तो भाई क्या था उसके पति में, उसका ही पति मिला था दुनिया में, दुनिया में उसका एक एक भाई मिला था ये रिलेशन बनाने के लिए। अब इनका अगला कदम क्या है इनका, सच्ची मैं, मेरे को तो अंदर से लगता है कि ये दीदी जी के साथ ही भाग रहे हैं, उनके साथ ही इनका शादी का प्लान है, और ताकि मनी शादी हो जाएगी तो फिर कोई कुछ शायद नहीं कर पाएगा, इसलिए इनका ऐसा है कि न कुछ भी हो बट हमको साथ रहना है, यूट्यूब छोड़ना पड़े, सोशल मीडिया छोड़ना पड़े, नाम छोड़ना पड़े, फेम छोड़ना पड़े, चाहे परिवार छोड़ना पड़े। दिख तो नहीं रहा किसी के आंसू, तो वैसे भी नहीं दिख रहे, बट हमको साथ रहना है। उधर हमने रिकॉर्डिंग में भी ये बात सुनी, दीदी जी बोल रही थी कि मैं मर जाऊंगी, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। और उधर उनको दीदी जी नहीं मिली, अगर वो कहीं और शादी करेंगी तो वो यूट्यूब को आग लगा देंगे। अरे यार ऐसी आशिकी देखी कभी नहीं देखी और देखना भी नहीं चाहते। मैडम जो ये दीदी जी हैं, ये तो शायद इनके पास चाहे देखो मजबूरी बोल लो, भाई की इज्जत की, किसी की भी इज्जत की बोल लो, इसलिए झूठ बोल रही हूँ। अब वो खुल के सामने ना आ रही हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग में बहुत बहुत सारी चीज़ें जो अलका जी ने लगाई है दिख गई हैं, कन्फर्म दिख गई हैं कि इनको भी कितना प्यार था। क्या मनीषा चिल्ला रही थी क्या, क्यों? और मनीषा को बेटा बेटा किस मुंह से बेटा बोल देती थी, किस मुंह से भैया बोल देती थी। तुम्हारे यहाँ ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता, भाइयों को भाई माना जाता है। अरे रे रे बाप रे, उस लड़की का एग्जाम है, उसको छोड़ के विदेश भागा जा रहा है, विदेश जाने की तैयारी, चले गए होंगे, विदेश जाने की तैयारी हो रही है। क्या एग्जाम देगी वो, क्या पढ़ेगी लिखेगी वो, चुन चुन के मारेगी सबको जिसने उसकी लाइफ बर्बाद किया है। अब आ रही है वो अपने असली रूप में, क्योंकि उसके जो सहने की जो एक लिमिट, एक हद थी ना, वो बर्दाश्त हो चुकी है। अब वो जिस जिसने उसके साथ धोखा किया, जिस जिसने उसका फायदा उठाया है, सबको सजा मिलेगी, सबको। बट मनीषा सचिन को छोड़ना मत, अगर डिवोर्स दे दिया तो वो चाहते हैं यार, तुमको मजबूर कर रहे हैं कि ये तुम डिवोर्स दे दो और उनका रास्ता साफ हो जाए, शादी करने की तैयारी है, इसलिए भाग रहे हैं। हद है यार। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ ऐसे किसी नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।